मध्य प्रदेश में आ वर्ष अंत में विधानसभा चूंटणी थवानी छे। भाजपाए 17 ऑगस्ट ना रोज राज्य की 39 सीटों पर पोताना उम्मेदवारों की जाहिरात करी छे। मध्य प्रदेश में भाजपा की पहली लिस्ट आवी गई छे। आ लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया ना एक समर्थक ने टिकीट आपवामां आवी नथी, जेने लई भाजपा सांसदे मौन तोड्यू छे। ग्वालियर में तेमणे कह्यु के भाजपा चूंटणी उम्मेदवारों की पसंदगी समय जीतवानी क्षमताना कारक पर विचार करे छे, ज्यारे कोंग्रेस में जूथवाद थाय छे। मध्य प्रदेश में आ वर्षना अंत में विधानसभा चूंटणी थवानी छे। भाजपाए 17 ऑगस्ट ना रोज राज्य की 39 सीटों पर पोताना उम्मेदवारों की जाहेरात करी छे। सिंधियाए कह्यु के भाजपा में टिकीट आपता समय न मारू के न तारू जेवू नथी, दरेक भाजपानो भाग छे, अहीं कोंग्रेसनी जेम कोई जूथवाद नथी। जे व्यक्तिनी जीतवानी सारी संभावना छे तेने टिकीट मळे छे। ज्योतिरादित्य सिंधियाए आ वात तेमना समर्थकोमांना एकनी टिकीट कपाई जवा पर कही छे। 2020 मां सिंधियानी साथे भाजपामां सामेल थनारा तेमना समर्थकोमांथी 5 लोको गया महीने कोंग्रेसमां पाछा फर्या छे। तो वळी भाजपा कार्यसमितिना सभ्य रहेला समंदर पटेल पण 2 दिवस पहेला कोंग्रेसमां सामेल थया छे। उमेदवारोनी लिस्टमां सिंधिया गुटना रणवीर जाटवने जग्या मळी नथी। रणवीर जाटवने टिकीट न मळवा पर नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंहे सिंधिया पर हुमलो करता कह्यु के सवाल ए छे के सिंधियाजी जेमने साथ लईने गया हता तेमनी रक्षा करवी पण तेमनुं काम हतुं, पण ते एमनी रक्षा करी शक्या नहीं। हवे सिंधिया पर कोण विश्वास करशे? जाटवने सिंधिया समर्थक नेता मानवामां आवे छे। जाटवे पाछली चूंटणीमां भिंड जिल्लाना गोहथी भाजपाना एससी जातिना प्रमुख लालसिंह आर्यने 23,000 वधु वोटे हराव्या हता। તેમણે માર્ચ 2020માં સિંધિયા ગ્રુપના અન્ય કોંગ્રેસ ધારાસભ્યોની સાથે રાજીનામું આપ્યું. નવેમ્બરમાં ભાજપાના ઉમેદવારના રૂપમાં પેટાચૂંટણી લડી પણ કોંગ્રેસના મેવારામ જાટવ સામે હારી ગયા. કોંગ્રેસે દાવો કર્યો કે ભાજપા સરકાર હેઠળ મધ્યપ્રદેશમાં 50% કમિશન રાજ વ્યાપ્ત છે. તો સિંધિયાએ વળતો જવાબ આપ્યો કે વિપક્ષની પાર્ટીએ આત્મનિરીક્ષણ કરવાની જરૂર છે. भाजपा सांसदे कह्यु के मध्य प्रदेश में कोंग्रेस ना 15 महीना ना शासन में डिसेम्बर 2018 मी मार्च 2020 सुधी खेडूतो युवाओ अने महिलाओ साथे विश्वासघात थयो। एनाथी विपरीत भाजपा सरकार सुशासन अने लोकोना कल्याण माटे काम करी रही छे।